मानसून अधिवेशन खत्म होने के बाद सीएम ठाकरे ने मीडिया से की बातचीत, कहा दो दिन के अधिवेशन में जनता के हित में किया काम। सीएम उद्धव ठाकरे ने कल की सदन की घटना को सिर शर्म से झुका देने वाला बताया, कहा विरोधियों की हरकत ने महाराष्ट्र को किया शर्मसार, कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं। फर्जी वैक्सीनेशन मामले पर बोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, फेक वैक्सीनेशन कैंप लगाने वालों पर की जाएगी कड़क कार्रवाई। जिन लोगों के साथ टीकाकरण में धोखाधड़ी हुई है उन्हें फिर से लगाया जाएगा वैक्सीन, सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। 12 विधायकों के निलंबन के बाद भाजपा का अनूठा प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर बनाया अभिरूप सदन, कालिदास कोलंबकर बने विधानसभा अध्यक्ष। विधायकों के निलंबन पर शिवसेना सांसद संजय राउत का तंज, याद दिलाई 4 साल पुरानी बात, कहा फडणवीस जी ने आपने भी 19 एमएलओ के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाया था। फडणवीस की मुश्किलें बढ़ी, गृह मंत्री ने कहा पिछली सरकार में हुई फोन टैपिंग की होगी जांच, अब ठाकरे सरकार उनके कार्यालय में हुई फोन टैपिंग की जांच करवाएगी। बीजेपी के विधायक अब निलंबन के खिलाफ अदालत जाने की कर रहे हैं तैयारी, प्रवीण दरेकर ने कहा बीजेपी के नेता कोर्ट जाने के बारे में कर रहे हैं विचार। 12 विधायकों के निलंबन के बाद आज भाजपा ने राज्य में जगह जगह किया विरोध प्रदर्शन, पूरे राज्य में 1000 जगह किया गया आंदोलन। भाजपा के विरोध प्रदर्शन में भारी तादाद में जमा हुए लोग, कोरोना नियमों की उड़ाई गई जमकर धज्जियां। मुंबई में पकड़ी गई 2000 करोड़ की हीरोइन, ईरान से आई थी नशे की खेप, DRI ने इस मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबईकरों के लिए दिलासे की बात, मुंबई में आज कोरोना के 453 मामले हुए दर्ज, वहीं 482 मरीज हुए ठीक। मुंबई में आज कोरोना से 10 मरीजों ने गवाई जान और 7908 मामले एक्टिव। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का बड़ा ऐलान, ग्रामीण इलाके जहां 1 महीने से कोरोना के एक भी मामले नहीं, वहां 8वीं से लेकर 12वीं की 15 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। MPSC के 15,511 पदों को भरने की वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी, स्वप्निल लोनकर की आत्महत्या के बाद सरकार का अहम फैसला। गणपति और नवरात्रि की मूर्ति खुद बनाने वाले मूर्तिकारों को पंडाल बनाने के लिए दी जाएगी ऑफलाइन परमिट, BMC ने जारी किया आदेश। कल्याण डोंबिवली में आज कोरोना के 88 मामले हुए दर्ज, 89 मरीज हुए ठीक और 1 मरीज ने गवाई जान। महाराष्ट्र विधानसभा ने केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने और मराठा आरक्षण की 50% सीमा में ढील देने की सिफारिश करने का दिया प्रस्ताव। थाने में आज कोरोना के 60 मामले हुए दर्ज, 85 मरीज हुए ठीक और 2 लोगों ने गवाई जान। अहमदनगर में वैक्सीनेशन सेंटर में डॉक्टर गणेश शेलके ने तनाव के चलते लगाई फांसी, आत्महत्या के लिए कलेक्टर, तहसीलदार, मेडिकल ऑफिसर को ठहराया जिम्मेदार। कांदिवली वेस्ट में सुनील कोहली के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर जमकर की नारेबाजी। मुंबई स्थित एशिया के सबसे बड़े स्लम धरावी में आज कोरोना के 2 मामले हुए दर्ज, वहीं दादर में 1 भी मामले नहीं आए सामने। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह बुधवार को भाजपा में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 8,418 मामले हुए दर्ज, 10,548 मरीज हुए ठीक। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 171 मरीजों ने गवाई जान, वहीं राज्य में 1,14,297 केस एक्टिव।